और इस बीच नई सरकार के गठन पर बोले सम्राट चौधरी, बिहार में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। लालू प्रसाद पर भी सम्राट चौधरी ने इस मौके पर निशाना साधा, जल्द ही लालू परिवार का इलाज किया जाएगा। सम्राट चौधरी ये बात कह रहे हैं। सर मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, विनोद तावरे जी से, क्या बातचीत हुई मुलाकात? देखिए बिहार में जो हम लोगों ने 2020 में कमिटमेंट किया था और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के विकास के लिए संकल्पित थे, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए संकल्पित थे, वो काम पूरा करेंगे हम। और हम लोगों ने 2021 और 22 में 1,75,000 शिक्षकों की बहाली का प्रक्रिया शुरू किया था, अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, उसको पूरा कराएंगे और आगे भी 1,00,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली अभी और करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा कब तक हो जाएगी? जल्द करेंगे, जल्द। पार्टी का सख्त निर्देश भी है और तुरंत करना भी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपके जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि मन भेद है इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। अरे भाई, पहले तो कह रहे थे विभाग नहीं बटा था, उनके कहने से क्या होता है। लालू प्रसाद जी बिहार में आतंक के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है, वो डराने का प्रयास कर रहे हैं क्या? उन्हीं को ठंडा कर देंगे, चिंता मत कीजिए। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा आज दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं और एक एक करके जितने भी केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या राजनाथ सिंह की या विनोद तावरे की, इन सभी से इन दोनों उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और साफ तौर से कह रहे हैं कि बहुत जल्द बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उन्हीं को ठंडा कर देंगे, सम्राट चौधरी ये बात कह रहे हैं।